विज्ञान का युग कहा जाता है, और अभी हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सच में होनहार है, प्रतिभावान है, गुणवान है, और आगे चलकर हो सकता है कि इसी में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी बन जाए। किसी को क्या पता था कि साइकिल पर मिसाइल लाद कर लेकर चलने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन बन जाएंगे। और यही कारण है कि साइकिल पर जब वो मिसाइल लेकर लाद कर ले जा रहे थे तो लोग उनको उनके ऊपर हंस रहे थे, और वही कहीं ना कहीं एक दिन मिसाइल मैन बन जाते हैं। दूसरी बार जब वो मिसाइल का परीक्षण करने के लिए बैल पर मिसाइल लाद कर लेकर जा रहे थे, बैल गाड़ी पर, तब भी लोग हंस रहे थे कि देखिए बैल पर मिसाइल लाद कर ले जा रहे हैं, कौन इसको मिसाइल को उड़ा पाएगा, कौन कैसे मिसाइल हवा में उड़ेगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किसी दिन जो है साइकिल पर लादने वाला एक व्यक्ति मिसाइल मैन के नाम से प्रचलित हो जाएंगे। तो बहुत सारे यहाँ पर सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट बनाकर लाए हैं। हो सकता है कोई इसी में से एपीजे अब्दुल कलाम निकल जाए, हो सकता है कोई इसी में से साइंटिस्ट निकल जाए। किसी के भविष्य के बारे में मैं भविष्यवाणी करने वाला कोई नहीं हूं सर। हो सकता है ये बच्चे आगे चलकर कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। इनके पास एगो ये कुछ चक्की है, क्या बोलते हैं इसे बाबू? ये गूगल कंट्रोल है सर। क्या गूगल कंट्रोल? इसे मोबाइल से कंट्रोल करके यूज कर सकते हैं। मोबाइल से कंट्रोल करके? तो ये आपने बनाया? किस क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। तो इससे क्या क्या हो सकता है सर? इसे अपने घर के होम मोटिवेशन को मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी तो ये होम मोटिवेशन बनाए इस पे, हालांकि अभी वर्क कर रहे हैं, और इसे बनाना है हमें जो कि मोबाइल से मिसाइल लॉन्च करना है। जो कि ऑल इंडिया आप कहीं भी रहेंगे मोबाइल से मिसाइल को लॉन्च करना है। मतलब आप हैदराबाद में बैठे हो और दिल्ली से मिसाइल उड़ाकर पाकिस्तान को का घर फोड़ना हो तो हैदराबाद से मोबाइल से मिसाइल उड़ा दीजिएगा तो पाकिस्तान में बम गिर जाएगा। पक्का। और ये खास करके आर्मी लोगों के लिए, मतलब देश के जो है शहीद होते जिनका घर सुना हो जाता है, उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं आप? वही मिसाइल बना रहे हैं। अच्छा, तो गूगल मिसाइल कि कहीं निशाना कहीं और से लगाइएगा, मोबाइल बटन दाबिएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और क्या बना लेते हैं आप सर? बनाने को तो अभी कचरे से पेट्रोल, जो कि बनाते पेट्रोलियम पदार्थ। अच्छा, कचरे से पेट्रोल बना दिए थे? हाँ, जो कि जिला में प्रतियोगिता हुआ था तो उसमें फर्स्ट स्थान आया था मेरा। और अभी घर पे बना के रखे हैं, एक तो वाइब्रेटिंग मशीन है। जो आपको माइंड को सुकून देता है। अच्छा, माइंड को भी सुकून मिल जाता है? देता है। जो आपके सिर में दर्द रहता है उसको, सर दर्द को दूर करता है। आपने बनाया था? अच्छा, बनना क्या चाहते हो? साइंटिस्ट। पक्का? साइंटिस्ट का बनना चाहते हो? क्योंकि सर देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए साइंटिस्ट बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है, जो कि देश को आगे बढ़ा सकता है। अच्छा, ये बताइए, साइंटिस्ट बन जाइएगा तो बोला जाएगा किसी देश को उड़ाना है तो उड़ा दीजिएगा कि नहीं उड़ाइएगा? हैं सर, वैसे तो अगर वैसा समय आ जाएगा तो हो सकता है। उड़ाइएगा कि नहीं ये बताइए पहले, अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान को उड़ाना उड़ाइएगा कि नहीं? उड़ा देंगे। पक्का? पक्का। सच में? ताकि बताइए, ऐसे ही बच्चे होनहार होते हैं और यही चलकर देश का भविष्य जो है उज्ज्वल करते हैं। क्या नाम हुआ? क्या बना के लाए अभी? पैसा छापेगा? क्या? सच में इनसे पैसा छापेगा? पैसा छापने का मत ही नहीं, कैसे छापेगा बताइए जरा। कागज छापेगा या पैसा? पेन और कागज। सर ये बता रहे हैं पैसा छापने का मशीन है, मतलब हम लोगों को अब काम धाम करने की जरूरत नहीं, इनको ले चलते हैं घर। क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए? पेन कागज मांग रहे हैं। हाँ, पेन दीजिए और एक कागज दीजिए, ये लीजिए। तब तक आप पैसा छापने वाला मशीन क्या करोगे सर? क्या सर, गिरफ्तार कर लेंगे, काहे कि पैसा छापने वाली मशीन बनाना इलीगल है, लीगल नहीं है, काहे कि उसका राइट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है, तो सर आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। सच का पैसा छपेगा नकली? अच्छा देखिए सर, सच बोल दिया है। क्या ये एटीएम जो हम लोग पैसा निकालते हैं वो बनाया? क्या बनाया? राहुल गांधी जी का एक डायलॉग याद आ गया है, इधर से आलू डालिएगा उधर से सोना निकलेगा। सच बात तो ही मोदी जी का डायलॉग था लेकिन राहुल गांधी जी के साथ जोड़ दिया गया था। क्या पर्पस है इसका? क्या पर्पस बताइए, आइए बताइए उसके बारे में। कागज दें हम लोग? कागज दें? आइए इधर आइए। हाँ, समझना बहुत जरूरी है। पन्ना दे, कॉपी दे दे आप। पन्ना चाहिए?
पन्ना हम आपको देते हैं, ये लीजिए थाड़ी अपने मुताबिक। ये एक छोटी सी मशीन है मित्रों, और इस बच्चे का कहना है कि ये पैसा छापने वाली मशीन है, यानी इस मशीन से पैसा निकलेगा। अब पता नहीं असली निकलेगा या नकली, हमें खुद कंफ्यूजन है, सर भी कंफ्यूज हो गए हैं कि राइट नहीं है, एक आम आदमी को पैसा छापने का राइट ही नहीं है, कि भारत के संविधान में इलीगल है। ये बच्चा कैसे पैसा छाप देगा, सर भी आश्चर्यचकित हो गए हैं कि हमारे आँख में से पैसा छप जाएगा। तो सर जो है देखना चाहते हैं और हम भी देखना चाहते हैं।